हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल असम एजुकेशनल लिस्ट। दोस्तों, आज हम कुछ जीएनएम के टॉपिक्स लेकर आए हैं। चलिए, जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स की ओर। आज के टॉपिक्स होने वाला जो जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस के रिगार्डिंग 2022 और ये वाला रिविजन क्वेश्चंस होगा, और इसमें रहने वाला है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड पॉपुलर साइंस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस रिगार्डिंग। टोटल मार्क होने वाला है 25-25, 100 मार्क, टोटल 100 मार्क है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो एएनएम और जीएनएम 2022 का क्वेश्चन है, जो लाइफ साइंस है। चलिए आगे बढ़ते, और इसमें हर क्वेश्चन एक एक मार्क कैरी करते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1.5 माइनस 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 में लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंस ऑल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ऑप्शन में ग्रास, फ्लावर, लेदर, ग्रास, प्लास्टिक, वुड, वेजिटेबल पील्स, ग्लास बेलून्स, ग्लास, वुड्स एंड ब्रिक्स। जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए है, ग्रास, फ्लावर एंड लेदर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, इन विच हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया यू कैन फाइंड वन हॉर्न राइनो। ऑप्शन में वेस्टर्न घाट, सुंदरलैंड, इंडो बर्मा एंड ईस्टर्न हिमालयस। जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ईस्टर्न हिमालयस, जो काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में दिया गया, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म में SPM, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एयर पोल्यूशन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में दिया गया, विच कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन में सीड फॉर्म, स्टीम लेंथ, फ्लावर कलर एंड लीफ साइज। जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी है, आपका राइट आंसर लीफ साइज। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में दिया गया, द नाइट्रोजनस बेस व्हिच इज फाउंड इन द आरएनए इज। ऑप्शन में एडेनाइन, साइटोसिन, यूरासिल एंड ग्यूनानाइन। ग्यूनाइन जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका राइट आंसर है यूरासिल, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में दिया गया, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो ऑप्शन में एयर ओसिकल्स, ओवल विंडो, सेमी सर्कुलर कैनल एंड यूस्टेकियन ट्यूब। आपका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेमी सर्कुलर कैनल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में दिया गया, लैक्टोबैसिलस इज बेनिफिशियल टू यूज बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय टॉक्सिन इन द ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन, इट कैन यूज डायरिया। जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 8 की ओर। इफ बीओडी इंक्रीज द डिमांड ऑफ व्हिच गैस इन द वेटलैंड इंक्रीज। ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 एंड H2S। जो आपका राइट आंसर होगा, O2 आपका राइट आंसर है,
दोस्तों आज के सेशन इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट है तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिएगा। #AsamEducationalist, AsamEducationalist चैनल।